तुलसी विवाह के दिन करें ये अचूक उपाय, विवाह और जीवन साथी से जुड़ी हर समस्या होगी दूर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। इस साल 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इसी दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी रचाया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन से ही शादी के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। यह दिन विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त होता है। हालांकि इस साल शुक्र तारा डूबने के कारण तुलसी विवाह के दिन शादियां नहीं हो सकेंगी। और दोस्तों, तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वहीं शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह की सारी रस्में कराती हैं और इससे वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। वहीं इस दिन किए गए कुछ उपाय शादी में आ रही बाधाएँ दूर कर देते हैं और वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएँ भी दूर कर देते हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के इन उपायों को बेहद कारगर भी बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी विवाह के दिन ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो और पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो मजबूत बन सकें। पहला है वैवाहिक जीवन की कलह दूर करने का उपाय। दोस्तों, वैवाहिक जीवन से कलह दूर करने के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पानी में रख दें और तुलसी विवाह के दिन ये पानी पूरे घर के अंदर और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें, मनमुटाव आदि दूर हो जाएगा और पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ेगा। नंबर दो पर है पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का उपाय। पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़ा हो तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को चढ़ाया गया श्रृंगार और चुन्नी किसी सुहागिन स्त्री को दान में अवश्य दें या लक्ष्मी मंदिर जाकर के मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और पवित्र वैवाहिक रिश्ता भी मजबूत बनेगा। नंबर तीन पे है मन चाहा वर पाने का उपाय। शादी में देरी हो रही हो या मन चाहे लड़के से शादी न हो रही हो तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं, फिर इस चुन्नी को अपने पास संभाल करके रखें। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनसे शीघ्र विवाह और मनपसंद वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने पर अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और साथ ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुँचाएँ और कॉमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। धन्यवाद।